बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आसिफ चौधरी और आप देख रहे हैं अपना चैनल पाकिस्तान डिस्कवरी। आज मैं एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूं। हमने आपको फर्स्ट पार्ट में पत्रियाटा चे लिफ्ट की सैर करवाई और अब हम पार्ट टू में मरी मार रोड की जानिब जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी रश होने की वजह से गाड़ियों की लंबी लाइन। हमने बाइकियाँ करवाई, इसलिए हम इजीली मार रोड जीपीओ पहुंच गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जीपीओ माल रोड पर मरी में और यहाँ पे इतना रश है कि लोग जून की गर्मी में जो है वो मरी का रुख किए हुए हैं और यहाँ पे जो है हर बंदा जो है ना वो गर्मी से घबराए हुए मरी की तरफ आ गया है। तो अब हम यहाँ पे जो है ना वो आपको यहाँ के व्यूज़ भी दिखाते हैं और कुछ लोगों के राय भी देते हैं कि उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए भाई? मैं जनाब सिंध कश्मीर से आया हूँ। सिंध कश्मीर से? कश्मीर से। क्या नाम क्या आपका? हाकिम नसीरानी मेरा नाम है जनाब। और यहाँ पे कब से आए हैं? ये तकरीबन दूसरा दिन है मैं। और बड़ी मैं तो ये कहता हूँ कि पीरों दरगाहों पर तीन दिन का मेला होता है, दो दिन का मेला होता है, कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा हफ्ते का मेला होता है, लेकिन ये मरी में आकर मुझे एक मेले का समा लगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ आकर हम जो अपने फिक्र व फिक्रात हैं, जो उदासियां हैं, जो परेशानियां हैं, वो समेट कर कहीं फेंक दी हैं। एक ऐसी ज़िंदगी में है जो ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई है, जिसमें मौज है, मस्ती है, बग़ैर उम्री तफरीक के। अब मैं खुद अपने आप को एक जवान महसूस कर रहा हूं, क्योंकि जवानों को देख देख कर मेरे हौसले भी जवान हो गए। हालांकि इतनी बड़ी चढ़ाई है, लेकिन मुझे इस चढ़ाई में चढ़ते हुए बड़ा ही मज़ा आ रहा है। यानी कि आपने यहाँ पर आके खूब इंजॉय किया है? इंजॉय कर रहा हूँ और इंजॉय अभी भी तकरीबन में, यानी मेरा जो स्टे का प्रोग्राम था वो तकरीबन दो रातों का था, लेकिन मरी के हालात को, मौसम को और मरी के लोगों को, खास तौर पर मैं ये अभी जीपीओ के सामने खड़ा हुआ हूँ और माल रोड का जो रवैया, लोगों का जो रवैया है, दुकानदारों का, पहले हमने सुना था यहाँ पर बदतमीज लोग हैं, कुछ ऐसा हुआ था, उसके बाद ये चेंज आया है कि ये जो दुकानदार हैं या होटल वाले हैं जितने भी, उनके रवैये में तब्दीली आई, ये अभी पॉजिटिव थिंकिंग में आ गए, ये पॉजिटिव सोच रहे हैं। और इनको सोचना भी चाहिए कि हम दूर दराज से एक आस, उम्मीद और एक खुशियां लेने के लिए आते हैं, तो इनके मेहमान हैं, पैसा इनका हक है, सर्विस देना इनका हक है। और उससे बड़ी बात ये है कि इनका ये भी हक बनता है कि जिस प्यार के साथ हम मरी घूमने आते हैं तो उसी प्यार के साथ हमें ट्रीट करें, लेकिन ये हमें प्यार के साथ ट्रीट कर रहे हैं। संगम है हमारा पाकिस्तान प्यार का, हमारी एक ट्रेडिशन है, हमारी अपनी एक तारीख है हमारा, और सबसे बड़ी बात
ये कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं, ये यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। किसी तो हम पाकिस्तान के किसी भी कोने में रहें, लेकिन हमारे दिल में हमारे में पाकिस्तान है और हम पाकिस्तानी हैं। हम जहाँ भी जाएँ मेज़बान भी हैं और हम मेहमान भी हैं, तो ये हक हमें अदा करना चाहिए। चले एक पाकिस्तान का नारा लगा दें, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। चले बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों हमें जो है ना यहाँ पे एक मार रोड के ऊपर जो है ना वो दोस्त मिले हैं जो कि एक मशहूर टिकटॉकर भी हैं। इनका जो टिकटॉक है या यूट्यूब पे इनका चैनल है शहबाज भरा के साथ नाम के साथ, जो सराइकी चैनल है, और इनको जो है ना वो सराइकी लोग तो जानते होंगे और कुछ लोग अगर नहीं जानते तो आज इनसे तारीफ कर लेते हैं और ये कुछ और मजीद लोग जान जाएंगे। इनका जो है वो चैनल है सराइकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। यहाँ से यहाँ पे कब से आए हुए मार रोड पे? जी सराइकी में बात करूँगा थोड़ी सी, मैं तो पहली बार आया खड़ा सराइकी दे, यकीन मर सराइकी ब्रह्म आया खड़ा मर रही थे जी पी ओ चौक दे उते खड़े हैं। तो बाकी मैं जिंदगी में यहाँ पर पहली बार आया हूँ और यहाँ पे आके जो है ना बड़ा मजा आया है। और हमारा जो इलाका है ना वो है तौंसा शरीफ, तौंसा शरीफ जानते होंगे व्यूअर्स, तो हमें तो जानते होंगे जो हमारे इलाके से हैं, लेकिन आपके जो व्यूअर्स है ना उनको नहीं पता होगा वो नए है ना। तो हम यहाँ पे मरी में आए हैं, मरी में हमें ऐसा ही पहली बार महसूस हुआ है कि हम किसी अलग कंट्री में आ चुके हैं, लेकिन मरी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शाख है। तो यहाँ पे जो मौसम है ना पंजाब में जो मुख्तलिफ शहरों में मौसम है उसके हिसाब से तो यहाँ पे मरी में तो अभी जन्नत है, क्योंकि हमारे ज़िला डेरा गाजी खान में, तहसील तौंसा शरीफ में और मुल्तान सराइकी मिट्टी है, तो उसमें जो है ना बड़ी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि हमारा वापस जाने का दिल ही नहीं कर रहा। तो हम कहते हैं अगर यहाँ पे हमारा अपना मकान होता ना तो बस यहीं पे रह जाते पूरे 6 महीने। ये तकरीबन 8-10 बजे उन्होंने कहा यार 50 से भी ऊपर है आज गर्मी। अच्छा 50 से भी ऊपर चलेगी, तो आप तो आप नहीं जाने को दिल कर रहा होगा। पहले तो सामान हमने पैक कर लिया था, जब उन्होंने बोला ना 50 से ऊपर है तो फिर हमने सामान निकाल के, और आगे तो जुलाई का महीना शुरू हो रहा है और फिर उसमें भी ज्यादा होनी है, फिर आगे जो है ना वो क्या बनेगा। चलो अल्लाह अल्लाह करके 10 मरी वाले तो वैसे ही हमें निकाल देंगे, वो कहेंगे आप ज्यादा पुराने हो गए हमें नहीं आने दो। हाँ ये तो सही बात है, मरी वाले जो दुकानदार है ना कुछ ये भी हमें निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो हिसाब किताब है ना वो भी थोड़ा सा अलग है। बाकी लोग मोहब्बतें बांटने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इतना पुरअमन है मकाम मिला है हमें कि यहाँ पे जो पुलिस है पाक फौज है वो बड़ी अच्छी तरह से मरी को कंट्रोल में ले रही है, और यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई चीज़ की किसी भी किस्म की कोई यहाँ पे ऐसी बदनस्बी नहीं है किसी भी किस्म की। और यहाँ पे जो सफाई है ना, मैं तो पहली बार आया हूँ और मैंने यहाँ पर जो देखा है ना बड़ा दिल खुश हुआ, यकीन मानो कि मैंने कहा यार पाकिस्तान में भी ऐसे कोने हैं जहाँ पे साफ सुथरा माहौल। हमारे इलाके में अगर देखा जाए ना तो हमारे इलाके में इतना मकानों में भी सफाई नहीं होती जो रोडों पे हमें मिल रही है मरी में। मैं उर्दू में बात करूँगा लेकिन ये सराइकी में बात करेंगे तो इसका भी एक अपना ही एक जो असल में एक वजह है इसकी सराइकी की, जो है ना सराइकी में एक मिठास है, सराइकी जुबान ऐसी है कि जो मीठी जुबानों में शुमार होती है। तो हम इनसे कहते हैं कि ये सराइकी में बात करें, हम चाहे उर्दू में बात कर लें, चलो सराइकी वाले भी हमारे जो हैं वो भी इससे जो है ना वो लुत्फ़अंदोज़ होंगे इनकी बातों से जो इनको चाहते हैं, और वो भी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप महीना डेढ़ रहने का है रादा? माया दादा माया तो 6 महीने पिया रहा भाई थाई बारे जरे वीवर है ना माया दा सराइकी जरे भिरा ही फेरी गर्मी आज काई नहीं बहना अगली फेरी तैयारी बात बहुत उसा सामान होनी नल पैक कर रखो गर्मी आई थाई यान गुजारा की दाई शेल थे वो था बड़े मरण दा चांस था जाके 50 सेंटीमीटर ग्रेड दे होते गई। और माल रोड का माहौल कैसा लगा है? बड़ा अच्छा है माहौल, जबरदस्त है जरा माल रोड है ना पूरी मरी जो अगर माल रोड से बंदा ना बिना समझो मरी का ट्रिप नहीं हुआ जेरे निकम्मे बंदे आने ना मरी दे तुझा मकान झिका किता करो, क्योंकि जले पौड़ियां चढ़ दे ना सीढ़ियां चढ़ दे हैं बंदा फ्रेश थी वेदे यकीन मनाई में लगदे जो आपने इलाके मजदूरी करे खड़ा होवे चंगा बंदा फ्रेश कदरा पसीना आवे ना ठाट होवे ना पसीना चंगा आवे ना माहौल बन वेदे। ते बाकी जेरे व्यूअर साकु देदे पैन भाई उन दे चैनल दे होते हैं किस्मत नाल मेल थी गए ते थोड़िया कमाल मोहब्बत हो सन सराइकी बिरा जितने मेरे फैन व्यूअर्स देदे पे ना
फॉलो करके वैसे मोहब्बत में देसो कुछ बहन फैन सिर नपी खड़ा नहीं था मौके दे उते लेकिन इन को कतरा टाइम देसो ते बाकी लव यू थी क्या मोहब्बत में देसो लाइक फॉलो करे सो भाई उन जा कमाल मोहब्बत पाकिस्तान डिस्कवरी चैनल है भाइयों का तो इसको लाइक करें फॉलो करें बाकी बड़ा अच्छा नाम रखा है पाकिस्तान के नाम पर तो फॉलो करें और लाइक करें कमाल मोहब्बत ओ तमा याद है जेले में कुछ चढ़ी बैठे हो ना जेले क्रिकेट तो जेले क्रिकेट वाले थोड़ा सा डिस्टर्ब किते पवन जी में हरियन जैसे अभी आ रहे हैं वर्ल्ड कप हरियन तख्त है मैं को तो बड़ी चढ़ती है शील थी वाला दे बदे तू सा बाबा रा यकीन मन था को कप्तान बड़ा के सारे हा बे राबे कर सके नहीं पाकिस्तानी कौम मध्य टीमियां भान सके नहीं वर्ल्ड कप दे उते यकीन मन ते यो शील थे का गुजारा कर या छोड़ छोड़ यार साइड है छोड़ छोड़ साइड बाकी वर्ल्ड कप हारने का ना शायद अफरीदी का शहनशाह अफरीदी के चक्कर में शहनशाह वो असल में सराय के जाते ना वो जमात रहे ना तो कहने का मतलब ये तो बेड़ा गर्क करते हैं ना हमारे मुल्क का इनको पीआर देते हैं हम लोग उठाते हैं सारा और ये फिर हमारे साथ ही जो है ना इस तरह करते सारा पाकिस्तानी तरतीब चलता है रिश्तेदारी और यारी दोस्ती अब उसका दामाद बना है तो उसको कैप्टन बनाने के चक्कर में था आखिरी अल्फाज सारा जितने व्यूअर मेरे रेदे पे पाकिस्तान डिस्कवरी चैनल होते हैं कुदरती आ तो किस्मत नाल गया चैनल दे लाइक फॉलो और सारे जेरे फैन तुसा वाच करके वेने पे होना वीडियो को कमेंट करके वैसो ताकि सा कोई पता लगे कि सारे व्यूअर भी सा को बिने चैनल दे उते भी दे देन बाकी कमाल बापता अब इनका पता चलेगा इनके व्यूअर्स का पता चलेगा कि वो हमारे चैनल को कितना सब्सक्राइब करते हैं और कितने कमेंट्स करते हैं और इनका नाम लेके कमेंट्स करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो ऑलरेडी इनके फॉलोअर्स हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़ बेस्ट ऑफ लक अस्सलामुअलैकुम वालेकुम सलाम क्या नाम है आपका मेरा नाम एहसन अली मूसा है एहसन अली मूसा कहाँ से बिहाड़ी से बिहाड़ी से जी यानी कि जितने भी मैंने अभी तक इंटरव्यू किए हैं वो इसी की पट्टी से हैं तकरीबन जी अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप कब से हैं यहाँ पे सर हम सैटरडे को आए थे यहाँ पे ठीक है यानी कि दो दिन हो गए आप दो दिन हो गए हैं काफ़ी दफ़ा हम यहाँ पे आए जो इस दफ़ा मज़ा आया ना इतफाक से वो पहले नहीं आया अच्छा कल जो दिन गुजरा है संडे का कल के दिन में 6 दफ़ा बारिश हुई है और जहाँ से हम आए हैं वहाँ पे बारिश होती नहीं है और यहाँ पे वहाँ पे आज हमने कॉल की थी तो 44 टेम्परेचर था और फील लाइक 53 जा रहा था हमारा दिल नहीं कर रहा यहाँ से वापस जाने को ऐसे ही और जब आप किसी ऊंचाई पे या किसी पे लेते हैं कोई कमरा लेते हैं या उसकी बालकनी में देखते हैं तो बादल आपके हाथों को छू बिल्कुल वो जैसे ही टच होता है साथ में हमें पानी भी महसूस होता है और ये देखें कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है इसमें हम बड़ा अपने आप को इजी फील कर रहे हैं यानी कि आपने एक और चीज़ नोट की होगी कौन सी वो ये कि आपने अगर होटल्स में गए या किसी शॉप में गए तो वहाँ पे पंखे नहीं लगे हुए हाँ जी हमारे खुद के कमरे में पंखा नहीं लगा हुआ यानी कि पंखे का स्विच भी नहीं लगा हुआ स्विच भी नहीं है वो किस वजह से यहाँ पे गर्मी नहीं है अस्सलामुअलैकुम वालेकुम सलाम सर क्या नाम है आपका सर शहरोज शहरोज भाई कहाँ से तशरीफ सर इस्लाम इस्लामा से यानी कि नजदीक से हैं आप बिल्कुल करीब आते जाते रहते होंगे बस आते रहते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जैसे यहाँ पे हालात हैं जैसी परसेप्शन एक लोगों में बन चुकी है वो कुछ सही भी है जिसकी वजह से हम आने से थोड़ा गुरेज करते हैं एक तो आपके सामने जितना टूरिस्ट है आप भी यहाँ पे आए देखें आपको उनके जो वो डिज़र्व करते हैं उनके मुताबिक ना उनको यहाँ पे रेंट आउट के लिए कमरे मिलते हैं ना उनको यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन मिलती है ना उनको फूड मिलता है तो इन चीज़ों से घबरा के सर हम भी कम आते हैं बस वो यही है हमारे यहाँ पे अलमी है इस चीज़ का कि हम लोग जो है ना जिस चीज़ से रिज़क कमाते हैं ना उसकी कदर नहीं करते बिल्कुल ऐसे अब टूरिस्ट नहीं आएगा कोई यहाँ से बाहर से नहीं आएगा तो इनका रोजगार कैसे चलेगा बिल्कुल ऐसे लेकिन ये जो आते हैं उनके साथ ये नजायज करते हैं बिल्कुल ऐसे तो इसका सदबाव तो करना चाहिए इंतजामिया को और इंतजामिया को बारहा लोग कह चुके हैं लेकिन अब पता नहीं ये इंतजामिया की इसमें गफलत समझ लें या इंतजामिया का इनके साथ मिलना समझ लें ये तो हम कुछ नहीं कह सकते लेकिन बहरहाल ओवरऑल जिससे भी हमने बात की है खासकर होटलिंग के बारे में खाने के बारे में हमारे साथ कल खुद ऐसे हुआ कि हमने एक जगह से खाना खाया और इतना बेहतरीन खाना दिया उसने कि हम कोशिश करेंगे कि दोबारा उसके पास ना जाए
कहने का मकसद है कि यहाँ पे अगर आप चार्जेस लेने के बावजूद भी एक मियारी खाना नहीं किसी को देते तो आप उससे गलत करते हो। तो यही नहीं है कि ये दुनिया में आपसे ये लोग पूछेंगे, इंतजामिया पूछेगी, आखिरत में भी इसका सवाल का जवाब देना पड़ेगा आपको। सर इसके अलावा एक चीज़ और ऐड करेंगे कि देखें, एक बल्ज जो है ना वो फॉरनर्स का अट्रैक्ट टू है टूरिज्म की तरफ, इमरान खान साहब की वजह से बहुत टूरिस्ट यहाँ पे अट्रैक्ट हुए हैं। अब देखने को ये मिला कि सोशल मीडिया अब हर दूसरा बंदा यूज़ करता है, तो अब ये कॉमन प्रैक्टिस देखने को मिली है कि जब वो फॉरनर्स हमारे यहाँ पे इस मुल्क में आते हैं तो उनको ओवरचार्ज किया जाता है, मतलब कि उनकी करेंसी ठीक है, हमारा वैल्यू जो रुपी है वो डेप्रिशिएटेड है, लेकिन उसके बावजूद उनको समझ आ जाती है आप जिस चीज़ का लेट से 200 रुपया बिल बनता है आप उसको 1000 बोलेंगे तो एक बहुत नेगेटिव परसेप्शन उसके दिमाग में जाएगी हमारे पाकिस्तान के लिए, और फिर उस खूबसूरती का इस सारी ऑर्गेनाइजेशन का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हम जो है वो उनको अपनी तरफ कैच करके उनको इम्प्रेस नहीं करेंगे अपने। ये है कि हमारा सबसे पहला है कि ये एक इस्लामी मुल्क है, इसके अंदर जो है ना वो सबसे पहले मियार रखा जाता है बराबरी का। अब कोई बाहर से आता है या पाकिस्तान से आता है, सबके लिए इक्वल होना चाहिए। जो चार्जेस आपके खाने के बनते हैं, होटल के बनते हैं, वो आपके, हाँ अगर कोई एक्स्ट्रा वो फैसिलिटीज लेते हैं, एक्स्ट्रा लेते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो ओवरऑल बनता है वो उनके साथ वो तामन करना चाहिए। और दूसरे नंबर पर अगर वो हमारे पास नहीं आएंगे तो हमारे मुल्क का इमेज ख़राब होगा। और आपसे फिर बार रहा रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ का ख्याल रखें। थैंक यू सर, और बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद शहनशाह है। कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मैं टंडो मोहम्मद खान सिंध से। अच्छा, मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। जरूर। आबिदा परवीन का एक गीत है, कुछ ऐसा दार से आज वो पहलू नशीन रहे। हो कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशी रहे, कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशी रहे, जब तक हमारे पास रहे, जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे, इस अदा से आज वो पहलू नशी रहे, कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशी रहे। यार अब किसी की राज मोहब्बत की खैर हो, यार अब किसी की राज मोहब्बत की खैर हो, यार अब किसी की राज मोहब्बत की खैर हो, दस्ते जुनू रहे न रहे, दस्ते जुनू रहे न रहे आसती रहे, इस अदा से आज वो पहलू नशी रहे, कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशी रहे। जाओ और कोई जब्त की दुनिया तलाश कर, जाओ और कोई जब्त की दुनिया तलाश कर, जाओ और कोई जब्त की दुनिया तलाश कर, ऐ इश्क अब तो हम तेरे, ऐ इश्क अब तो हम तेरे काबिल नहीं रहे, इस अदा से आज वो पहलू नशी रहे, कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशी रहे। ये दर्द ओ गम फिराक के ये सख्त मरहले, ये दर्द ओ गम फिराक के ये सख्त मरहले, ये दर्द ओ गम फिराक के ये सख्त मरहले, हैरान हूँ मैं के फिर भी तुम, हैरान हूँ मैं के फिर
भी तुम इतने हसी रहे, इस अदा से आज वो पहलू नशी रहे, कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशी रहे, जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे, इस अदा से आज वो पहलू नशी रहे, कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशी रहे। शुक्रिया, बहुत जबरदस्त। गम दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है, गम दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है, गम दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है, तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है, हमें दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है, किसी की याद में जो जिंदगी हमने गुजारी है, हमें वो जिंदगी अपनी मोहब्बत से भी प्यारी है, वो आए रूबरू हम दास्तां अपनी सुनाएंगे, कुछ अपना दिल जलाएंगे, कुछ को आजमाएंगे, सरे महफिल हमें तो शम्मा बन जाना भी आता है, गमे दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है, दबे पाँव हमें आकर किसी का गुदगुदा देना, वो अपना रूठ जाना और वो उनका मना लेना, वो आए रूबरू हम दास्तां अपनी सुनाएंगे, कुछ अपना दे जलाएंगे, कुछ को आजमाएंगे, सरे महफिल हमें तो शम्मा बन जाना भी आता है, गमे दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है, हमें आता नहीं है प्यार में बेआबरू होना, सिखाया हुस्न को हमने वफा में सुर्ख रो होना, हम अपने खून दिल से जिंदगी की मांग भर देंगे, ये दिल क्या चीज है हम जान भी कुर्बान कर देंगे, खिलाफे जब्ते उल्फत हमको मर जाना भी आता है, गमे दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है, गमे दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
आपने आवाज सुनी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी इनकी आवाज। जी व्यूअर्स, आपको पता है कि आज हमारे व्लॉग का दूसरा दिन है जो कि हम मरी में मौजूद हैं, और आज आपको हम पटियाला 6 लिफ्ट का विजिट करवा चुके हैं और आपने उसको जो है वो मेरे ख्याल में खूब एंजॉय किया होगा। इस वक्त जो है वो हम मार रोड पे मौजूद हैं जीपी ऑफिस के सामने, और मुख्तलिफ लोगों की आपको राय भी बताई है हमने, और जो लोग यहाँ पे आए हैं विजिट के लिए, और हमने कोशिश की है आपको मरी का विजिट करवाने की और यहाँ के बारे में बताने की, तो और इसका मौसम भी बताने की कि यहाँ पे मौसम की सूरत अभी क्या है। तो आप खूब आए यहाँ पे, एंजॉय करें अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आए, मरी का विजिट करें, और इस गर्म मौसम में जो है वो, क्योंकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त जो है वो गर्म मौसम है, तो लिहाजा आप अगर मरी की तरफ आते हैं तो आपको बड़ा ही अच्छा एनवायरनमेंट मिल सकते हैं। जी व्यूअर्स, आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आपकी राय मेरे लिए बहुत अहम है, मैं मज़ीद कोशिश करूँगा आपके लिए दिलचस्प और मालूमती व्लॉग्स बनाने की। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और जो मेरे चैनल पर नया है उन लोगों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले हर व्लॉग का नोटिफिकेशन उनको बआसानी मिल सके। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।